अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि चुनावी बिसात बीत चुकी है और आगामी महीनों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले विधानसभा के, जिसके अंदर हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, J&K और दिल्ली। और भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कि हर पार्टी का एक वक्त होता है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का वो वक्त है जिस वक्त के लिए हम इसी बात से ये बात प्रमाणित कर सकते हैं। अगर हम चार पांचों स्टेट देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की साफ छवि, ईमानदारी की छवि जो लोगों के दिलों में बस चुकी है, इस बात का प्रमाण हम इसी बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर 10 की 10 सीटें हरियाणा के खाते में आई। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको अब हम देख सकते हैं। कुछ दिनों से MLO की भी एंट्री हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हाईकमान भी हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर अपनी नज़र बिछाए बैठे हैं। अमित शाह जी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और हाईकमान ने थोड़े दिन पहले ही अपने विधानसभा के प्रभारियों को नियुक्त किया। और सबसे बड़ी बात है कि इन प्रभारियों को अभी तक कोई ड्यूटी नहीं सौंपी गई और आने वाले दिनों के अंदर यह कि उनको ड्यूटी सौंपी जा सकती है। लेकिन जो टिकटार्थियों की बात है, जो उसको हम कह सकते हैं कि जो उसमें रोल क्या होगा, हाईकमान का रोल हमने आपको बता दिया, सेकंड रोल स्टेट BJP का। कुछ दिन पहले स्टेट BJP की भी मीटिंग हुई है रोहतक के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रभारियों की मीटिंग हुई है और हाईकमान ने सुनने में आया कि उनको ये कहा है कि आप अपना पैनल बनाकर हमें भेजिए। और तीसरी बात है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन्होंने भी एक सुजेशन दिया है कि आप इन इलेक्शन के अंदर 20 नए चेहरे लेकर आएं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, उनको चांस दिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब कोई लीडर बड़ा आता है तो वो अपने आप में एक असुरक्षता की भावना उसके अंदर बैठ जाती है, हम कैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि उनके पीछे एक RSS का कैडर उनके साथ है। अब चौथी जो बात है, जो मेन है, वो है परिवार बात। जैसे हमने देखा कि MP के इलेक्शंस में बहुत MLA BJP के MP कन्वर्ट हो गए। हर बंदे की इच्छा होती है, लीडर की भी इच्छा होती है, ये एक नेचर का फिनोमेना है कि उसकी इच्छा होती है, उसके जाने के बाद उसके घर का बेटा, भाई, बहन उसका स्थान लें। लेकिन इस बात की अगर हम बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसके अंदर अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगी और इस बात पे कोमा नहीं है, उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब भी हम बात करते हैं तीसरी बात, शेयर बाजार की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कुछ दिनों में शेयर बाजार अप एंड डाउन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखते हुए हरियाणा के अंदर। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर उनकी नब्ज टोल रहे हैं कि हरियाणा के लोगों का क्या व्यूज़ हैं सरकार के प्रति, अपनी सरकार की नीतियाँ बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी स्टंप लगे हुए हैं, पूरी स्टेट BJP लगी हुई है। जो उसके हिसाब से देखा है तो 80 सीटों की ये इन्होंने 75 सीटें कहा है। और अब सेकंड बात हम और आपको कह देना चाहते हैं, जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो जींद रैली के अंदर अमित शाह जी ने डायरेक्टली तौर पर ये मनोहर लाल खट्टर जी को आगामी मुख्यमंत्री हरियाणा घोषित कर चुके हैं। अब ये बात पूरी तरह तय है कि हरियाणा में अगर BJP की सरकार बनती है, उसमें मुख्यमंत्री का तो फाइनल हो चुका है कि वो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी होंगे। अब बात सेकंड ये आती है कि जो शेयर बाजार की बात है, जो वो कह रहे हैं कि 80+ सीटें कह रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 80+ में हम देखते हैं कि आने वाले जो रुझान होंगे, वो रुझान होंगे, उन रुझानों में ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उस मौजूदा जो MLA है, नई विधानसभा में कितने वो बैठेंगे, कितनों को सीट मिलेगी, कितनों को सीट नहीं मिलेगी, वो कितने बैठेंगे, ये अभी किसी को नहीं पता। सभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम के जरिए
हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये बात फाइनल है कि हर टिकटार्थी को इन चार पैनलों में से गुजरना ही पड़ेगा। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और सेकंड बात ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये इमेज बना लिया, ये मन बना लिया कि हरियाणा को हम 90 एमएलए वो प्रदान करेंगे, साफ छवि वाले एमएलए जो अंतो पार्टी की नीतियों को ही नहीं मानेंगे, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतो उदय का जो सपना था उसको साकार करने के लिए पूर्ण रूप से वो वचनबद्ध होंगे, उन्हीं को ही ये उम्मीदवार बनाएंगे। ये थी हमारी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों के लिए। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद जो भी टिकटार्थी होंगे उनके मन में ये संशय तो निकल गया जाएगा, क्योंकि अंतरात्मा इंसान की होती है, उससे वो अपने आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रोग्राम से ये फाइनल तो उन्होंने सोच ही लिया होगा। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि टिकटों का बंटवारा हाईकमान किस तरह से करेगा। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।